रनिंग करते हुए अंबाले से 360 किलोमीटर दरबार साहब आया हूँ, और रस्ते में जितने भी गुरुद्वारा साहब थे अपने उनके ऊपर भी विजिट करके आया हूँ, और सीधा यहाँ से श्री दरबार साहब मत्था टेकना मेरा मकसद था इस सफ़र का। यहाँ से आकर मैं नतमस्तक होया हूँ। मत्था टेकन आए हो ताडी इत्थे कोई श्रद्धा सुखना सी ताडी कोई श्रद्धा? मैं जी मेरा मोटिव ये था कि मैं मेरे जब मतलब कि मैं गेम करे करूँ था तो मतलब मैं एथलीट हूँ तो हर ऊपर से एक सिख भी हूँ, तो शुरू से मेरे मन में यही था कि मैं कुछ अपने धर्म जोगा करूँ, तो मैं इस तरीके से अपने धर्म नू प्रचार कर रहा हूँ एक तरीके से, ये समझ लो। तो ये मेरा तरीका था एक तरीके से अपनी सेवा करने का, जिस तरह होर लोग सेवा कर रहे हैं धर्म का प्रचार करका, कोई प्रचार करका कर रहा है, कोई पेंटिंग करका कर रहा है, कोई राग लगा का कर रहा है ना, रागी सिंह राग करा प्रचारक एक प्रचार करा, इस तरह मैं एक एथलीट हूँ रनिंग करूँ है, तो मैंने अपने रनिंग का जो गुण था उसनों यूज कराया और अपने धर्म जोगा कुछ काम कराया। एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैनू भी लेगा आप मैनू भी देखा तो कई लोग मैनू भी नैगेटिव कमेंट करा, मैनू भी बहुत कुछ कहा मेरे केसा लेगा मेरी दाढ़ी लेगा है ना, तो मैं मतलब उन्हें इग्नोर ही करूँगा, मन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनु मेरे गुरु साहब ने कह दिया मैं उनकी मनूंगा, किसी लल्ली बुच्ची की नहीं मैं मनने का, कोई मनु क्या कहा मनु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने मैं अच्छा लगूँ ना लगूँ, मेरे माँ बाप नू मैं यूँ ही अच्छा लगूँगा, मेरे प्रभु नू मैं यूँ ही अच्छा लगूँगा, तो जिन्हों जो मेरे जो इंपोर्टेंट है उन्होंने मैं अच्छा लगूँगा, तो मनु कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इतने नतमस्तक होने वास्ते तुसी पहुंचे कितनी तारीख नु तुरे सी उतों? मैं जी 9 तारीख नु तुरया था जी। किन्ने जाने मेंबर सी? मैं जी रनिंग करने वाला मैं अकेला था, पर मेरे साथ मेरा एक साथी था जोन सा मेरी के लिए वीडियो बना रहा था, और जिन्ने मतलब कि मेरा ध्यान भी रखा, मतलब कि हर तरीके से जिस तरह भी मैं डाइट की जरूरत पड़ा थी, रनिंग करते हुए जो भी मैं पानी की जरूरत पड़ा थी या कुछ भी चीज़ की जरूरत पड़ा थी, तो उन्हें मेरा भरपूर साथ दिया। रोज किन्ने घंटे रनिंग करते थे जी? मन में इतनी खुशी थी जिस टाइम मैं दरबार साहब पहुंचा, मैं रोटी खानी भी भूल गया, सीधा अंदर जाकर मैंने सबसे पहला दर्शन करे हैं, और इससे ज़्यादा होर तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इन चीज़ों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल। मैं जी अपना हरियाणा से आया हूँ अंबाले से, गाँव मेरा मछुंडा है, और नाम मेरा अमरप्रीत सिंह है, सन ऑफ सुखवंत सिंह मेरा। मैं अपना रनिंग करते हुए अंबाले से 360 किलोमीटर दरबार साहब आया हूँ, और रस्ते में जितने भी गुरुद्वारा साहब थे अपने उनके ऊपर भी विजिट करके आया हूँ, और सीधा यहाँ से श्री दरबार साहब मत्था टेकना मेरा मकसद था इस सफ़र का, यहाँ से आकर मैं नतमस्तक होया हूँ। अच्छा इतने नतमस्तक होने वास्ते तुसी पहुँचे कितनी तरीक नु तुरे सी उतों? मैं जी 9 तरीक नु तुरया था जी। हाँ जी। किन्ने जाने मेंबर सी? मैं जी रनिंग करने वाला मैं अकेला था, पर मेरे साथ मेरा एक साथी था जोन सा मेरी के लिए वीडियो बना रहा था, और जिन्हें मतलब कि मेरा ध्यान भी रखा, मतलब कि हर तरीके से जिस तरह भी मैं डाइट की जरूरत पड़ा थी, रनिंग करते हुए जो भी मैं पानी की जरूरत पड़ा थी या कुछ भी चीज़ की जरूरत पड़ा थी, तो उन्हें मेरा भरपूर साथ दिया। रोज कितने घंटे रनिंग करते थे? रोज़ ही आप लगा लो जी 1.5 घंटा तो कम से कम लगा कर चलो, 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा था मैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से रनिंग करे करूँ था। ना जी मैं रनिंग करते हुए पहली बार आया हूँ, वैसे मैं आया हूँ यहाँ से दरबार साहब। मैं जी रस्ते में सबसे पहला फतेहगढ़ साहब मत्था टेकया, फिर श्री कोतवाल साहब मत्था टेकया, फिर अपना चमकौर की गढ़ी में मत्था टेकया, फिर श्री भट्ठा साहब मत्था टेकया, फिर बाबा बजित्र सिंह जी के स्थान पर भी गए जो सा वहाँ से है बनया वा, फिर उसके बाद मत्था टेकन आए हो ताडी इत्थे कोई श्रद्धा सुखना सी ताडी कोई श्रद्धा? मैं जी मेरा मोटिव ये था कि मैं मेरे जब मतलब कि मैं गेम करे करूँ था तो मतलब मैं एथलीट हूँ तो हर ऊपर से एक सिख भी हूँ, तो शुरू से मेरे मन में यही था कि मैं कुछ अपने धर्म जोगा करूँ, तो मैं इस तरीके से अपने धर्म नू प्रचार कर रहा हूँ एक तरीके से, ये समझ लो कि एक सिख अपने गुरुद्वारा साहब में जा रहा है, लोगों को पता लगेगा हमारे गुरुद्वारे स्थानों के बारे में, पता लगेगा हमारे इतिहासिक स्थानों के बारे में, पता लगेगा जो जो बंदे मैं देखांगे है ना, तो उन्होंने पता लगेगा इस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा तरीका था एक तरीके से अपनी सेवा करने का, जिस तरह होर लोग सेवा कर रहे हैं धर्म का प्रचार करका, कोई प्रचार करका कर रहा है, कोई पेंटिंग करका कर रहा है, कोई राग लगा का कर रहा है ना, रागी सिंह राग करा प्रचारक एक प्रचार करा, इस तरह मैं एक एथलीट हूँ रनिंग करूँगा, तो मैंने अपने रनिंग का जो गुण था उसनों यूज कराया और अपने धर्म जोगा कुछ काम कराया। जी मन में इतनी खुशी थी जिस टाइम मैं दरबार साहब पहुंचा, मैं रोटी खानी भी भूल गया, सीधा अंदर जाकर मैंने सबसे पहला दर्शन करे हैं, और इससे ज़्यादा होर तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इन चीज़ों को
ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ? ਉਮਰ ਜੀ ਮੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਥ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕੰਨੀ ਨਾ ਆਓ ਆਪਣੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਧਰਮ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੇਕਰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਰ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੇਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਨੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੱਲੀ ਬੁੱਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਲੱਗੂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਉਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਕਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ਬਣ ਜਾਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣੇਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲ ਸਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਝੇਲ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਬਿਟ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੋੜ ਸਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਹਾਂਜੀ, 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਭਗ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 19 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 19 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। 19 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ। ਕੁਛ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ 5 ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਕਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਛ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣੀ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬਾਨ ਰਹਿ ਗਏ 3, ਵਹਾਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ।